हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म नाइट टिथ को, जो कि एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है एडम रैंडल ने। तो वही फिल्म की कास्ट में है जॉन लैंडबॉग, टेबी राइन, लूसी फ्राई एंड सिडनी स्वीनी। तो फ्रेंड्स, कहानी फोकस करती है कॉलेज स्टूडेंट पैनी पर, जो कुछ पैसों के लिए एक रात के लिए ड्राइवर की जॉब करता है, जिसका काम है ब्लेयर और जोई को एले के पॉपुलर्स नाइट क्लब में ले जाना। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पैनी को पता चलता है कि उसकी दोनों खूबसूरत पैसेंजर्स असल में वैम्पायर्स है, जो एक तरह के हंट पर निकली है। जिसके बाद पैनी की लाइफ और फिल्म में आके क्या कुछ होता है, वही जानने के लिए आपको देखनी होगी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ब्रांड न्यू हॉरर थ्रिलर फिल्म नाइट टिथ। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म को देखने का मेरा रीजन था फिल्म की स्टार कास्ट और नो डाउट फिल्म का ट्रेलर, जिसे देखकर ये तो लग ही रहा था कि ये फिल्म भरे से ही कुछ नया प्रेजेंट ना करे, पर ये एक टाइम पास फिल्म तो होगी ही, जो हमारा टाइम काफी आसानी से पास करा देगी, जो ये फिल्म है भी और नहीं भी। जिसकी सबसे पहले बात कास्टिंग की करूँ तो फिल्म के तीनों ही मेन लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, और एक तरह का रीजन भी है फिल्म को स्टार्ट टू एंड तक देखने का। जिनके कैरेक्टर को इतने अच्छे से तो लिखा और फिल्म में प्रेजेंट किया गया है कि अगेन वो भी एक रीजन ही बनता है फिल्म को देखने का। खास करके तीनों ही कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री जो ठीक ठाक है, पर फिल्म में आपको पसंद आएगी। तो वही फिल्म में जो लव एंगल देखने मिलता है टेबी राइन के कैरेक्टर प्लेयर और बेनी के बीच, वो इंटरेस्टिंग है और फिल्म में उसे काफी अच्छे से दिखाया गया है, जो देखने में काफी ज्यादा मजा भी आता है। बट आई थिंक उसका यूज फिल्म में बहुत ही अच्छे से किया जा सकता था, खास करके इमोशनल एंगल में, जो फिल्म से मिसिंग है। बाकी फिल्म की कहानी इंटरेस्टिंग है, पर उसी के साथ साथ वीक और प्रेडिक्टेबल भी, जिसे अगर फिल्म में अच्छे से प्रेजेंट किया जाता तो मेरे हिसाब से ये एक काफी अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म साबित होती, जो ये अभी भी है। पर कई सारे वीक पॉइंट्स के साथ, जैसे फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है पर फिल्म के एक्शन सीक्वेंस और सीजीआई वर्क बिल्कुल भी नहीं, जो देखने में कुछ हद तक वीडियो गेम जैसा लगता है। बाकी और चीजों की बात करूं, जैसे बीजीएम जो फिल्म का ठीक ठाक है एंड की तरह ही, जो कुछ लोगों को पसंद आएगा पर कुछ को बिल्कुल भी नहीं। जिस टाइप का एंड इस फिल्म को शायद से आने वाले पार्ट्स के लिए दिया गया होगा, पर फिलहाल बात इसी फिल्म की करते हैं। जिसकी एडिटिंग भी ठीक ठाक है, क्योंकि फिल्म की लेंथ करीब 1 घंटे और 45 मिनट की है, जो हमें थोड़ा बहुत फील तो होती ही है। तो ओवरऑल फिल्म में कई सारे वीक पॉइंट जरूर हैं, पर फिर भी नाइट टिथ एक टाइम पास फिल्म तो है ही, जिसे आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। पर आप इसे फैमिली के साथ नहीं देख सकते, जिसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है। फिल्म नाइट टिथ को मैं दूंगा 3 स्टार्स। तो फ्रेंड्स, ये था नाइट टिथ को लेकर मेरा रिव्यू। पर अगर आपने फिल्म पहले से ही देख ली है तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।